लोकहा ओपी अध्यक्ष के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोग ओपी पहुंच हंगामा किया और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। आरोप है कि देर रात ओपी पुलिस ने एक स्थानीय निर्दोष व्यक्ति फागू यादव को चोरी के आरोप में पकड़कर थाना ले आए और उसकी पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई है, जिससे उक्त व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि पुलिस के द्वारा किए गए इस कार्य के विरोध में लोगों ने हंगामा किया और ओपी अध्यक्ष के निलंबन की मांग कर रहे हैं। सड़क जाम और थाना के सामने प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने थाने में तोड़फोड़ भी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दी गई है। सदर DSP सहित आसपास के कई थाना अध्यक्ष को तत्काल मामला शांत करने के लिए तैनात कर दिया गया है, लेकिन अब भी तनाव की स्थिति है। बताया जाता है कि पुलिस की पिटाई के बाद संबंधित व्यक्ति की हालत गंभीर है, जिसे तत्काल इलाज करवाया जा रहा है। हालांकि घटना को ले सदर DSP ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। सुपौल बिहार से नज़ीर आलम के साथ आज़ाद की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। निर्दोष आदमी को जिसके साथ बेरहमी से पिटा है, कौन पिटा है? यहाँ का जो लोखा थाना ओपी का प्रभारी जो है वो और उसके साथ जो भी दलबल के साथ उसको काफी पिटा, मतलब अदमिरुद्ध कर दिया, जिसका कि आज तक कहीं भी कोई छवि गलत नहीं है। समाज में अच्छा आदमी था, गरीब आदमी था, मजदूर अच्छा मजदूर क्लास का आदमी था, उसके साथ बेरहमी से पिटा गया, जो कि अन्याय हुआ। पूरा समाज उसके साथ है, उस लड़का के साथ है, फागू यादव के साथ है, और जब जो पुलिस प्रशासन जो गलत किया है उसके विरुद्ध सभी में आक्रोश काफी था। दरोगा उसको डायरेक्ट उठा ले। अभी जो पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, कि किस कारण से इतना मारपीट हुआ उसको, तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। किसको मारपीट हुआ? फागू यादव को। मैंने क्यों मारा उनको? अब पता नहीं, गांव में किसी किसा का कोई मोटर उटर चोरी हुआ है, अब कौन कैसे किस हिसाब से उसको दिया है पता नहीं था हम लोगों को। वैसे रात में जाकर के दरोगा ले आया, दरोगा लाने के बाद उसको पूरी रात पिटाई किया, जिसके कारण अभी ये सब बात है, हंगामा हम लोग किए हुए हैं। घटना इस तरह की थी कि उस विगत दो तीन दिनों में दो बोरिंग मोटर जो होता है, मोटर की चोरी हुई, उसी चोरी के सिलसिले में कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़कर पूछताछ किया जा रहा था। उसी में एक फागू यादव भी था जिसको बुलाया गया और पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद फागू यादव के जो परिजन हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ मारपीट किया गया, और उन्होंने एक आवेदन भी दिया है और करीब ओपी पर कम से कम 200-250 की संख्या में आक्रोशित भीड़ ओपी को घेर लिया कि नहीं, जो ऐसा कृत्य किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। वहाँ भी नहर के पास भी रोड जाम किया गया। स्थिति अभी बिल्कुल नियंत्रण में है, लोगों के मन में अभी भी आक्रोश है, लेकिन बिल्कुल हम आए, सर्किल इंस्पेक्टर आए, SSO सुपौल आए, SSO महिला, SSO ST सारे लोग आए और स्थिति को नियंत्रित किए। अभी माहौल बिल्कुल नियंत्रित है, फिर भी लोगों के मन में इक्का दुक्का आक्रोश अभी भी है। इस मामले की जांच भी की जाएगी, अब इस मामले की भी जांच की जाएगी और जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उसको भी अनुसंधान किया जाएगा। अगर दोषी है तो उनको कार्रवाई की जाएगी।